नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार शिक्षक परीक्षा का सिलेबस व एग्जाम पैटर्न हुआ जारी। बिहार में रियल एस्टेट के लिए बनेगा लोकपाल। 15 से 19 मई के बीच ये 15 ट्रेनें पकड़ेंगी अपना बदला हुआ समय। मंदार पर्वत के सीता कुंड से निकल रही मूर्तियां, जाने किस खिलाड़ी के सिर पर सजा ऑरेंज और पर्पल कैप। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार शिक्षक परीक्षा का सिलेबस व एग्जाम पैटर्न हुआ जारी। अगर आप भी इस बार बीपीएससी के तहत होने वाली बिहार शिक्षक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीपीएससी की ओर से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया गया है, जिसे आप बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसके साथ ही इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रहेगा। इसके अलावा बीपीएससी के द्वारा यह भी तय किया गया है कि हर कैटेगरी के शिक्षकों को भाषा की परीक्षा देनी होगी, जो 100 अंकों का होगा। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की परीक्षा से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय में सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जबकि माध्यमिक और उच्च विद्यालय के लिए होने वाले पेपर में संबंधित विषय के साथ सामान्य अध्ययन का भी परीक्षा होगा। इसके साथ ही अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 40%, तो वहीं पिछड़े वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए 34% और एससी एसटी महिला व दिव्यांग के लिए 32% अंक अनिवार्य होगा। बिहार में रियल इस्टेट के लिए बनेगा लोकपाल। बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में नक्शा पास करने से लेकर फायर और पर्यावरणीय सुपृतों को लेकर सेवा का अधिकार कानून के दायरे में लाने और साथ ही नगर विकास, नगर निगम और रेरा प्राधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर सुनवाई के लिए अलग से एक रियल एस्टेट लोकपाल का गठन किया जाएगा। इससे जुड़ी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी गई है, जिस पर फिलहाल राज्य सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में रेरा से जुड़े फैसलों को चुनौती देने के लिए रेरा ट्रिब्यूनल, जबकि नगर निगम के फैसलों को चुनौती देने के लिए अलग से ट्रिब्यूनल गठित किया गया है। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिस पर नगर निगम, रेरा, नगर विकास विभाग या ट्रिब्यूनल फैसले नहीं ले पाते, जिस वजह से ऐसे मामलों के समाधान को लेकर लोकपाल की परिकल्पना की गई है। 1560 वाहन चालकों पर करीब 1.15 करोड़ रुपए का जुर्माना। बिहार में मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग के द्वारा बिहार की राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत मोटर वाहन अधिनियम एवं यातायात नियमों को तोड़ने वाले लोगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। बता दें कि इसी विशेष अभियान के तहत बीते दिन शनिवार को कुल 1560 वाहन चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर करीब 1.15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि इस नियम को लेकर राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी का कहना है कि यह वाहन जांच अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम को सख्ती से लागू करना आवश्यक है। ऐसे में वे लोग जो बार बार नियम का उल्लंघन करते हैं, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की भी कार्रवाई की जाएगी। 15 से 19 मई के बीच ये 15 ट्रेनें पकड़ेंगी अपना बदला हुआ समय। अभी कुछ दिनों पहले भागलपुर से रवाना होने वाली और इस रूट से गुजरने वाली 15 ट्रेनों के परिचालन के समय में बदलाव किया गया था। वहीं अब इन ट्रेनों को चलाने के लिए तिथि भी निर्धारित कर ली गई है। बता दें कि यह ट्रेन 15 से 19 मई के बीच अपने बदले समय पर चलने वाली है। मालूम हो कि हम जिन 15 ट्रेनों की बात कर रहे हैं उनमें मालदा टाउन केवल एक्सप्रेस, मालदा टाउन दिल्ली फड़क्का एक्सप्रेस, भागलपुर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी, हावड़ा गया एक्सप्रेस, भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस, मालदा टाउन दिल्ली फड़क्का एक्सप्रेस, भागलपुर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस, भागलपुर एसएमबीटी बेंगलुरु अंग एक्सप्रेस, गुड्डा राज एक्सप्रेस, भागलपुर अजमेर एक्सप्रेस और मालदा टाउन आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस के नाम शामिल हैं। सीसीएलआर कोर्ट में अब कर सकेंगे जमीन विवाद की ऑनलाइन शिकायत। बीते दिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के शास्त्री नगर स्थित राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत बिहार में जमीन विवाद से निपटने के लिए एक सुविधा का शुभारम्भ किया गया है। बता दें कि शुभारम्भ किए गए इस नई सुविधा के अंतर्गत अब बिहार के लोग बिहार में जमीन विवाद से निपटने के लिए डीसीएलआर कोर्ट में ऑनलाइन तरीके से शिकायत करवा सकते हैं। इसके साथ ही किए गए शिकायत को ऑनलाइन देखा भी जा सकता है। वहीं दायर किए गए विवाद काल निर्णय 90 दिनों के अंदर किया जाएगा। इसके साथ ही पारित आदेश के खिलाफ 30 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील करने का प्रावधान है। मालूम हो कि बीते दिन कार्यक्रम के मंत्री आलोक मेहता के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता से कहा गया कि दाखिल खारिज और जमीन विवाद के मामलों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को लागू किया जाए।
मंदार पर्वत के सीताकुंड से निकल रही मूर्तियां बिहार के बांका जिला अंतर्गत बौंसी स्थित मंदार पर्वत के चक्रवात कुंड यानी कि सीताकुंड की सफाई के दौरान एक बार फिर से सरोवर से तरह तरह की खंडित मूर्तियां बाहर निकाली जा रही है। बता दें कि अब यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल सीताकुंड में कई फीट तक गाद जमा है जिसे निकालने का काम किया जा रहा है और साथ ही अभी अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अभी भी सरोवर में 10 फीट से ज्यादा सल्ट जमा है। बता दें कि सफाई के दौरान निकाली गई मूर्तियों के बारे में इतिहासकार उदयस रवि का कहना है कि एक प्रतिमा द्वार सेविका की है तो वहीं दूसरी प्रतिमा अब तक स्पष्ट नहीं हो पा रही, लेकिन उनका मानना है कि अभी मंदिर स्थापत्य का ही अंश है। मिली जानकारी के अनुसार जैसे जैसे गाद निकाली जा रही है वैसे अम्ल कलश सहित नक्काशीदार पत्थर भी निकल रहे हैं। देश में जल्द होगी हिंदू राष्ट्र की घोषणा, बाबा बागेश्वर। बीते दिन यानी कि 13 मई से बिहार की राजधानी पटना जिले के नौबतपुर के तरेत पाली में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमान कथा की शुरुआत हो चुकी है जो कि अगले 17 तारीख तक चलने वाली है। बता दें कि बीते दिन हनुमान कथा के दौरान बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा कहा गया कि बहुत जल्द ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, बस इसकी घोषणा होनी बाकी है। उन्होंने कहा कि हमें एक महात्मा जी मिले और उन्होंने हमसे पूछा कि महाराज आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकेगा? उस दौरान हमने मुस्कुराकर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, बस उसकी घोषणा होनी बाकी है जो कि बहुत जल्द ही हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हनुमान कथा का दूसरा दिन है और आज भी वह हनुमान कथा का वाचन करेंगे। वहीं अगर बीते दिन हुए कार्यक्रम की बात करें तो उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगभग 3 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे थे। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गई कि इस वर्ष बागेश्वर धाम की ओर से 151 गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। अवैध शराब बरामदगी मामले में पटना हाईकोर्ट ने डीजीपी को दिया यह निर्देश। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद के द्वारा किसी थाना क्षेत्र में राज्य जिला स्तर से प्रतिनियुक्ति छापामारी दल के द्वारा अवैध शराब की बरामदगी को लेकर अजय कुमार की रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार के पुलिस महानिदेशक को बिहार पुलिस मुख्यालय के दिनांक 24/11/20 को जारी पत्र संख्या 63/3/93 के 2019-20-1296 पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में संबंधित थानाध्यक्ष एवं चौकीदार पर और सूचना संकलन नहीं करने तथा आवश्यक कार्रवाई नहीं करने के लिए दोषी मानते हेतु उनके विफलता एवं निष्क्रियता के लिए कठोर कानूनी एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता के द्वारा उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसके तहत उस पर अनुशासनिक कार्रवाई चलाकर उसके मूल वेतन में 5 वर्ष के लिए सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रत्यावर्तित करने का दंड लगाते हुए आदेश दिया गया था कि निलंबन अवधि के लिए वह निर्वाह भत्ता से अधिक किसी भी चीज का हकदार नहीं होगा। सारण से अयोध्या के लिए चलेगा पानी का जहाज। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के द्वारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के डायरेक्टर एलके रजक एवं उनकी टीम के साथ बिहार के सारण से अयोध्या जाने के लिए जिले के मांझी घाघरा नदी के रास्ते मांझी के रामघाट से पानी के जहाज का परिचालन शुरू करने के लिए नदी किनारे जगह का निरीक्षण किया गया जहाँ से पानी के जहाज की सेवा की जानी है। बता दें कि सांसद का कहना है कि योजना के पूरे हो जाने के बाद जलमार्ग से आम यात्रियों की यात्रा आसान होगी और खर्च भी कम आएगा। इसके साथ ही वे लोग जो मांझी तथा अयोध्या के बीच के तीर्थ स्थलों का दर्शन करना चाहते हैं उन्हें भी काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि उनके अथक प्रयास के बाद मांझी से अयोध्या तक भारत सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दे दी है। सीएम नीतीश के करीबी पूर्व एमएलए से मिली हीना शहाब। पिछले काफी लंबे समय से आरजेडी से नाराज चल रही हीना साहब ने बीते दिन सीएम नीतीश के करीबी पूर्व एमएलए श्याम बहादुर सिंह से मुलाकात की है। बता दें कि इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा बढ़ गई है और साथ ही तरह तरह के कई कयास भी लगाए जाने शुरू हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी हीना साहब श्याम बहादुर सिंह से मुलाकात करने इसलिए पहुंची थी क्योंकि कुछ दिनों पहले श्याम बहादुर सिंह की मां का निधन हो गया था जिसके लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। मालूम हो कि कुछ दिनों पहले ऐसी खबर चल रही थी कि हीना साहब लोजपा रामविलास में शामिल हो सकती है, हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक बयान किसी के द्वारा नहीं दिया गया था। वहीं सवाल का जवाब देते हुए चिराग पासवान के द्वारा कहा गया था कि अगर कोई ऐसी चीजें होती हैं तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब से हीना साहब को आरजेडी की तरफ से राज्यसभा नहीं भेजा गया तब से साहबुद्दीन समर्थक आरजेडी पर काफी नाराज चल रहे हैं। पटना रांची वंदे भारत ट्रेन के लिए तय हुआ नया शॉर्टकट रूट। बहुत जल्दी बिहार के लोगों को पटना रांची वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि यह ट्रेन बिहार के कई रूटों पर चलने वाली है। वहीं अगर यह ट्रेन शुरू हो जाती है तो बिहार की राजधानी पटना से रांची जाने वाले लोगों को महज 6.5 घंटे लगेंगे। इसके साथ ही ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इस ट्रेन का शुभारंभ इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा सकता है। बता दें कि ऐसी भी खबर सुनने को मिल रही है कि पटना रांची वंदे भारत ट्रेन के लिए एक नया शॉर्टकट रूट तय किया गया है जो जहानाबाद हजारीबाग टाउन कोडरमा और टीटी सिलवे होकर रांची पहुंचेगी। बता दें कि इस रूट से जाने पर सफर 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। वहीं अभी कम से कम पटना से रांची जाने में 8 घंटे का समय लगता है।
कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर सीएम नीतीश का पहला रिएक्शन। 224 सीटों के लिए कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। वहीं अब कांग्रेस की जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अपनी पहली प्रतिक्रिया दी गई है। बता दें कि सीएम नीतीश ने ट्वीट करके कांग्रेस की जीत को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि कर्नाटक विधानसभा आम चुनाव में जीत एवं स्पष्ट बहुमत हासिल करने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के द्वारा भी कर्नाटक की जीत पर ट्वीट कर कहा गया है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी हथकंडा आजमाया, धार्मिक उन्माद चरम सीमा पर पहुंचाकर चुनाव प्रचार किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो पद की गरिमा के विरुद्ध प्रचार किया, लेकिन वहां की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के सामने सब फेल हुआ और कर्नाटक भाजपा मुक्त हुआ। इसके पूर्व हिमाचल प्रदेश भाजपा मुक्त हुआ, दिल्ली नगर निगम भाजपा मुक्त हुआ, इसी साल मध्य प्रदेश भी भाजपा मुक्त होगा और 2024 लोकसभा चुनाव में देश भाजपा मुक्त होगा, इंतजार कीजिए। वहीं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि यह तो होना ही था, बजरंग बली ने रावण की लंका जला डाली। कर्नाटक में बीजेपी आरएसएस नाम की गंदगी को साफ करने के लिए जनता को बधाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। कर्नाटक चुनाव परिणाम पर बिहार कांग्रेस का दावा। कर्नाटक चुनाव परिणाम में कांग्रेस की जीत का हर्ष जताते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया है कि यह कर्नाटक की जनता की जीत है। इसके साथ ही हमारे नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और पांच योजना कार्यक्रम का सकारात्मक परिणाम ही यह चुनाव रहा है। उन्होंने कहा कि आम मतदाता महंगाई और रोजगार के लिए चिंतित हैं और बीजेपी लगातार उन्हें धन की राजनीति करके बरगलाने का काम करती आ रही है, लेकिन कर्नाटक के मतदाताओं ने अब उन्हें सबक सिखा दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पूर्व यह जनता के मिजाज का लिटमस टेस्ट था, जिसमें जनता ने बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली और देश की एकता को खंडित करने वाली भाजपा के खिलाफ वोटिंग करके प्रधानमंत्री की तानाशाही नीतियों पर हमला किया है। जाने किस खिलाड़ी के सिर पर सजा ऑरेंज और पर्पल कैप। आईपीएल 2023 के 16वें सीजन में ऑरेंज और पर्पल कैप जिस खिलाड़ी के सिर पर सजने वाली है उसमें ऑरेंज कैप फाफ डुप्लेसी के सिर का शोभा बढ़ाने का काम कर रही है। बता दें कि फाफ डुप्लेसी ने इस सीजन में 11 मैचों में अब तक 576 रन मारे हैं। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर 12 मैचों में 575 रन के साथ यशस्वी जायसवाल का नाम शामिल है। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, चौथे नंबर पर 475 रनों के साथ शुभमन गिल और पांचवे नंबर पर 468 रनों के साथ डेवॉन कॉनवे का नाम शामिल है। इसके साथ ही अगर हम पर्पल कैप की बात करें तो 2023 की पर्पल कैप 12 मैचों में 23 विकेट के साथ गुजरात टाइटंस के गेंदबाज रशीद खान के सिर सज रही है। वहीं दूसरे नंबर पर 21 विकेट के साथ युजवेंद्र चहल, तीसरे नंबर पर 19 विकेट के साथ पीयूष चावला, चौथे नंबर पर 19 विकेट के साथ मोहम्मद समी और पांचवें नंबर पर 19 विकेट के साथ तुषार देशपांडे का नाम शामिल है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.24 रुपए और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.98 रुपए और डीजल 94.70 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 107.98 रुपए और डीजल की कीमत 94.71 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दी कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.60 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.23 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सुशील कश्यप, सुशील कुमार मोदी, उमेश सिद्धू, अनवर करीम खान, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, कुश कुमार यादव, कुमारी संचना, प्रवीण कृष्णा, कन्हैया कुमार, मिथुन यादव, नुनू गोलो कुमार, शंकर मुखिया, पवन सिंह, मुटू रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस की जीत 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह फायदेमंद है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।